हेलो फ्रेंड्स, और एक नया वीडियो आप लोग का स्वागत है। आप लोग जानते हैं FIH हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 स्पेन और नेदरलैंड्स में चल रहा है। अब तक कुछ मैच खत्म हो चुका है, आगे को कुछ मैच होने वाला है, क्योंकि ये जो FIH हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप है 17 जुलाई तक चलने वाला है। तो कल था 10 जुलाई, 10 जुलाई को खेला गया 4 मैच, लेकिन आज है 11 जुलाई, आज खेला जाएगा 2 मैच 9 और 16 प्लेस के लिए ये मैच होने वाला है। तो ये जो मैच होगा उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आज का जो 2 मैच होगा, कितने बजे मैच होगा, कहां पर ये मैच होगा, कौन कौन सा टीम मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे, उसी के बारे में डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ कल जो 4 मैच हुआ था, 2 क्रॉसओवर मैच और 2 9 और 16 प्लेस के लिए जो मैच हुआ था, उसके बारे में भी आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो में आगे और उसके ऊपर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। तो आप लोग हॉकी प्रेमी है, हॉकी के बारे में जो भी सोचना आता है उस पर आपकी नज़र रहता है। तो कल 10 जुलाई था, 10 जुलाई को खेला गया 4 मैच, 2 मैच था क्रॉसओवर मैच और 2 मैच था 9 और 16 प्लेस के लिए मैच हुआ, जिसका रिजल्ट आ चुका है। पहले उस रिजल्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। तो कल पहले मैच हुआ था, तो पहले कल जो मैच हुआ दिन के 4:30 बजे हुआ था, आयरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच। ये नीदरलैंड में खेला गया, जिसमें आयरलैंड ने साउथ अफ्रीका को 2-0 गोल से हरा दिया है। दूसरा मैच था चाइना वर्सेस चिली के बीच, दोनों टीम मैदान में उतरे। पहले हाफ तक दोनों तरफ से भरपूर कोशिश की गई गोल लगने की, लेकिन हाफ टाइम तक कोई एक भी गोल नहीं हुआ। लेकिन हाफ टाइम के बाद जब दोनों टीम मैच खेलने के लिए मैदान में उतरे, इस बार चाइना ने 3 गोल दागे चिली के ऊपर। चिली कोई एक भी गोल नहीं दागा, इसीलिए ये मैच को 3-0 गोल से चाइना ने जीत लिया है। अब आ गई क्रॉसओवर मैच की रिजल्ट। क्रॉसओवर मैच में कल खेला गया 2 मैच। ये जो 2 मैच हुआ, पहला मैच था इंग्लैंड वर्सेस कोरिया के बीच, रात की 9:30 बजे हुआ। ये स्पेन की टेरास में खेला गया। इंग्लैंड और कोरिया टीम मैच खेलने के लिए मैदान में उतरे। हाफ टाइम तक इंग्लैंड ने अपना दबदबा कायम रखते हुए 3 गोल दागे, लेकिन कोरिया कोई एक भी गोल नहीं दाग पाया। हाफ टाइम के बाद दोनों टीम फिर से मैदान में उतरे मैच खेलने के लिए। इस बार भी इंग्लैंड ने अपना जोरदार प्रदर्शन करते हुए और 2 गोल दागे, यानी कि जब तक मैच खत्म हो इंग्लैंड 5 गोल दागा, लेकिन कोरिया वुमेन्स हॉकी टीम की तरफ से कोई एक भी गोल नहीं हो पाया। इसीलिए ये मैच इंग्लैंड ने 5-0 गोल से जीत लिया है। कल का जो रात की 1:00 बजे हुआ स्पेन वर्सेस इंडिया क्रॉसओवर मैच, इसमें स्पेन और इंडिया वुमेन्स हॉकी टीम मैच खेलने के लिए मैदान में उतरे। पहले हाफ तक दोनों तरफ से भरपूर कोशिश की गई गोल दागने की, लेकिन कोई भी टीम एक गोल दागने में सक्षम नहीं हुआ। लेकिन हाफ टाइम के बाद जब दोनों टीम टेरास के हॉकी ग्राउंड में मैच खेलने के लिए उतरे, इस बार स्पेन एक गोल दाग दिया जब तक मैच खत्म हो। इंडिया की तरफ से कोई गोल नहीं हो पाया, इसीलिए स्पेन ने 1-0 गोल से ये मैच जीत लिया है। तो ये थी कल यानी कि 10 जुलाई का जो 4 मैच हुआ, 2 क्रॉसओवर मैच और 2 9 और 16 प्लेस के लिए जो मैच हुआ, उसका रिजल्ट के बारे में ये सूचना। अब आज यानी कि 11 जुलाई को खेला जाएगा 2 मैच। ये जो 2 मैच होगा 9 और 16 प्लेस के लिए मैच खेला जाएगा। तो पहला मैच होगा जापान वर्सेस कोरिया के बीच, ये रात की 9:30 बजे मैच खेला जाएगा। ये पूल डी का मैच है, ये स्पेन की टेरास में मैच होने वाला है। ये जापान और कोरिया टीम मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे। दूसरा मैच होगा 9 और 16 प्लेस के लिए, कनाडा वर्सेस इंडिया वुमेन्स हॉकी टीम, जो कि रात की 1:00 बजे ये मैच होगा। स्पेन के टेरास में ये मैच खेला जाएगा। तो ये जो 4 टीम है, एक एक अच्छा टीम है। ये जो 4 टीम मैच के रोक कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी मैच को अपने तरफ
खींच सकते हैं, लेकिन हॉकी में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कभी कभी एक अच्छा टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं करता, जो अच्छा प्रदर्शन नहीं करता वो भी कभी कभी अपने दमदार प्रदर्शन से सभी को चकित करता है। तो हॉकी एक ऐसा खेल है जो कि पहले से प्रेडिक्ट करना सही नहीं है, लेकिन आज ये जो चार टीम है, जो भी टीम अच्छा खेलेगा वही आगे निकल जाएगा, वही मैच जीतेगा। तो आज जो दो मैच होगा, एक एक अच्छा मैच होगा, ऐसे हम आशा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से और एक नया वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्त।